रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में इन दिनों जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। हाल में ही शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, जिसमें एक बार फिर से शिल्पा शिंदे और कृष्णा श्रॉफ ने रोहित शेट्टी के शो में एंट्री मारी है। कृष्णा और शिल्पा की एंट्री के बाद से ही शो में काफी लड़ाइयां देखने को मिल रही है। अब खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद शो से अदिति शर्मा का पत्ता साफ हो गया। शो के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला था कि कैप्टन निमृत कौर आलूवालिया को अपनी टीम से किसी दो कंटेस्टेंट को एलिमिनेशन स्टंट में भेजना था। इसमें निमृत ने अदिति शर्मा और शालिन भनोट का नाम दिया। खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला कि अदिति शर्मा और शालिन भनोट को कॉकरोच और बिच्छुओं से भरे एक बॉक्स का स्टंट करना था, जिसमें अदिति और शालिन को बॉक्स में अपना सिर रखना था जो कॉकरोच और बिच्छुओं से भरा हुआ था। इस बॉक्स में सिर रखकर शालिन और अदिति शर्मा को बिच्छू इकट्ठे करने थे। इस टास्क में जो ज्यादा बिच्छू इकट्ठा करेगा उसकी जीत होने वाली थी। बता दें कि स्टंट के दौरान जहां अदिति शर्मा ने केवल 151 बिच्छू इकट्ठा किए, वहीं शालिन ने 168 बिच्छू को इकट्ठा किया। स्टंट में अदिति शालिन से हार गई, जिसके बाद उन्हें शो से एलिमिनेट होना पड़ गया। खबरों के अनुसार आपको बता दें कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के विनर का अनाउंसमेंट हो चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो कश्मीर महाजनी शो के विनर बनेंगे। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिनाले में कश्मीर के साथ कृष्णा श्रॉफ और करणवीर मेहरा पहुंचने वाले हैं। इस दौरान करण और कृष्णा कश्मीर से टास्क में हार जाएंगे, जिसके बाद खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 की चमचमाती ट्रॉफी कश्मीर के हाथ लगेगी। बता दें कि शो के विनर को 20 लाख रुपए कैश के साथ ही चमचमाती कार भी मिलने वाली है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि कश्मीर विनर बनने वाले हैं या नहीं, इसका पता तो आने वाले एपिसोड में चलेगा। लेकिन अभी की जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई है वो यही है कि अदिति शर्मा शो से बाहर हो चुकी है।